पर से आशुतोष आपका रुख करते हुए, चूंकि तुर्की के राष्ट्रपति की ओर से यरूशलम को लेकर एक बड़ा बयान दिया गया है, जिसको लेकर माना जा रहा है कि ये जो आग है वो और ज्यादा भड़क सकती है, आग में घी डालने का काम उनकी ओर से किया गया है, वो बयान में पढ़ देती हूँ, उस पर आपका जवाब लूंगी। उन्होंने पहले तो मध्यस्थता की पेशकश कर दी, उसके बाद वो बोलते हैं कि तुर्की कहना चाहेगा कि हम मध्यस्थता को तैयार हैं, हमारा मानना है कि जब तक 1967 की सीमा के हिसाब से स्वतंत्र और संप्रभु फिलिस्तीन नहीं स्थापित हो जाता, जिसकी राजधानी यरूशलम हो, तब तक इस क्षेत्र में शांति नहीं हो सकती। ऐसे में दूसरे तमाम ऐसे मुल्क हैं जो आग में ऐसा लग रहा है घी डालने का भी काम करें। दोनों हमारे संवाददाता लाइव हमारे साथ जुड़ चुके हैं, अशफ वानी भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अशफ, मैं फौरन आ रही हूं, उसके पहले आशुतोष आपका जवाब। देखिए, लड़ाई दरअसल दशकों से जो चली आ रही वो यरूशलम को लेकर के भी थी, लेकिन जब दुनिया इसे मान्यता दे रही है इसराइल की राजधानी के तौर पर, तो ये कहीं ना कहीं इसराइल की जीत है। तो एक तुर्की अगर समर्थन करता है कि फिलिस्तीन क्या चाहता है या फिलिस्तीन की पहचान इससे बनेगी, इससे शांति लौटेगी, अगर ऐसा होता तो आप ये भी समझिए कि इसराइल कोशिश कर रहा था अरब देशों के साथ, चाहे सऊदी अरब के साथ अपने रिश्ते बेहतर करना हो, अगर रिश्ते बेहतर होते हैं मिडिल ईस्ट देशों के साथ इसराइल के, तो नुकसान सबसे ज्यादा जो फिलिस्तीन और उसके समर्थकों का होता था। इसीलिए संभावना इस नजरिए से भी देखा जा रहा है कि क्या कहीं कुछ लोगों ने आग में घी डालने का काम किया है ताकि इसराइल के रिश्ते मिडिल ईस्ट से बेहतर ना हो, क्योंकि अगर ऐसा होता है तो इस पूरी टेरिटरी में, पूरे बेल्ट में या मेडिटेरेनियन के आसपास शांति व्याप्त हो जाएगी, और आप बेहतर जानती हैं कि शांति बहुत सारे कारोबार के लिए बेहतर नहीं होती है। तो कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट कई सारे ऐसे मुल्कों का है जो चाहते हैं कि आग लगती रहे, उनका कारोबार चलता रहे, लेकिन आप समझिए कि चाहे वो फिलिस्तीन हो, चाहे गजा पट्टी का इलाका हो, चाहे इसराइल के दक्षिणी सीमावर्ती इलाके हों, मासूम लोग ही तो निशाना बने हैं, मासूम लोग ही तो मारे गए हैं। बिल्कुल, हमारे साथ जो गेस्ट मौजूद हैं वो भी आशुतोष आपसे सवाल पूछना चाह रहे हैं। आशुतोष, जो मोबिलाइजेशन हुई होगी वहां पे, तो क्या सिविलियंस में किस किस्म का खौफ है, जो इजरायली सिविलियंस है? बिकॉज इजरायली सिविलियंस ने, इजरायली पॉपुलेशन ने कभी दहशत नहीं देखी थी, इतनी बड़ी दहशत नहीं देखी थी, वहां किस किस्म का खौफ है, या लोगों में जोश है, या मिक्स्ड रिएक्शन है, क्या है वहां पे, हालात क्या है एक्चुअली पॉपुलेशन के, क्योंकि वो बहुत जरूरी है इस टाइम पे। इसराइल को तकरीबन 3 लाख लोग मोबिलाइज करने पड़ेंगे, रिजर्विस्ट में वॉलंटियर्स आ जाते हैं, एज भी आ जाते हैं, 49-50 ईयर्स के बाद भी आ जाते हैं लोग, लेकिन वो कैसी दहशत है, वो डिसाइड करेगी कि कितना ये लड़ाई को लंबा खींच सकते हैं और कितना पर्सनल फाइट हो सकती है गाजा स्ट्रिप में, लोग मतलब इन्फेंट्री टाइप ऑपरेशन। दो चीजें समझिए, जो कॉम्बैट फोर्स है इसराइल की वो पहले ही उत्तर में लेबनान सीमा पर और दक्षिण में गजा पट्टी सीमा पर भेजी जा चुकी है, लेकिन शहरों के बीच व्यवस्था बनी रहे, चाहे सर्च अभियान हो या जो आतंकी आ रहे हैं, उसके लिए रिजर्व फोर्स बढ़ाई गई, यहां तक कि यहां विपक्ष के नेता और इसराइल के पूर्व जो केंद्रीय मंत्री थे उन तक सबने हथियार उठा लिए हैं, साथ ही जो बच्चे, चूंकि यहां पर सेना में भर्ती होना अनिवार्य है और उन बच्चों के लिए जो हाई स्कूल पास करके निकलते हैं, उन सबको लगाया गया है। जहां तक डर की बात, आप सीधे समझिए कि अगर मेरे पीछे सबसे व्यस्त इलाकों पे अगर आप आज सन्नाटा देख रहे हैं, वो भी शाम के समय, ये अपने आप में खौफ का प्रतीक है। लोग इस यरूशलम छोड़कर भाग चुके हैं, टेल अवीव में हैं क्योंकि वहां पर सब ज्यादा सुरक्षा रखी जाती है, या फिर हाइफा या दूसरे इलाकों में चले गए, तो डर है, और डर के चलते जो वॉलंटियर कर सकते हैं, क्योंकि ऑर्डर था आपको रिजर्व में रिपोर्ट करना है, तो लोग तुरंत रिजर्व फोर्स का हिस्सा बन के चले गए। उस मोबिलाइजेशन को कई हिस्सों में, एक कॉम्बैट फोर्स है, कॉम्बैट के पीछे लॉजिस्टिक फोर्स है, लॉजिस्टिक के पीछे सप्लाई लाइन है और डिफेंस फोर्स है। रात में भी हर इलाकों पर इतनी सघन बैरिकेडिंग है कि आधे घंटे का समय पूरा करने में 2 घंटे लगते हैं। तो हाँ, ये कह सकते हैं कि लोगों में डर है, क्योंकि 70 के दशक में उन्होंने देखा था इस तरह का इंट्रूजन, जब दूसरे देशों ने हमला किया था, मिडिल ईस्ट के 2 देशों ने, लेकिन उसके बाद ऐसी तस्वीर है कि हजारों की संख्या में रॉकेट आए, 2 सीमाओं से आतंकी घुस रहे हैं और लोगों की जान पर खतरा अभी भी बरकरार है। मेजर जनरल संजय मिश्रा, आपसे अशफ सवाल पूछना चाह रहे हैं। जनरल मिश्रा, अशरफ, दो छोटे सवाल। पहला तो है, 2006 में हिजबुल्ला और इसराइल के बीच में लड़ाई हुई थी, और 2007 में मैं खुद इसराइल में था, तो वहां पर हमें जो बताया गया था कि हिजबुल्ला को इतनी टारगेटिंग की है कि वो जिंदगी भर या कई सालों तक वापस लड़ाई करना नहीं चाहेंगे, साथ ही में वो गाजा स्ट्रिप में देख रहे हैं कि क्या हाल हो रहा है, तो आपकी असेसमेंट क्या है कि हिजबुल्ला क्या इस इलाके से कोई ऑफेंसिव लॉन्च करना चाहेगा या नहीं? और दूसरा, वहां क्योंकि आप लोगों से मिल रहे हैं और आप सबको पता है कि भारत से आए हैं, तो वहां के लोगों को भारत से कोई अपेक्षा है कि नहीं? अशरफ जनरल साहब, अगर हम लेबनान की बात करें तो इसराइल का ये कहना है कि लेबनान में ही, बीरूत में ही ये पूरा जो है इसराइल पर हमला, इसकी रणनीति बनी, इसके हथियार आए और
ये ईरान की तरफ से जो है इसराइल पर एक युद्ध थोपा गया या युद्ध किया गया जो हमास ने किया, और हिजबुल्ला ने भी दो दिन से लगातार जो है वहां पर रॉकेट दागे हैं इसराइली सेना की पुश्तनों पे। दरअसल मैं जिस जगह पर खड़ा हूं ये काफी महत्वपूर्ण जगह है। मैं बिल्कुल मेरे पीछे जो आप ये घर देख रहे हैं ये सभी फलस्तीन का इलाका है जो इसराइल कंट्रोल करता है, और यहां तक कि मैं यहां से नंगी आंखों से भी देख पाता हूं कि इसराइली की आर्मी पोजीशन यहां साफ नजर आ रही है मेरे पीछे, लेकिन यहां पर कोई फौज का, जिस तरह से हमारे देश में पाकिस्तान के साथ या चीन के साथ लगने वाली सीमा पर फौज की तैनाती होती है, ऐसा कुछ यहां दिख नहीं रहा है। यहां पर लेबनान में जो खबरें आई है हमारे सामने, कल जो है हमास और हिजबुल्ला के कुछ लड़ाकू जो है मेरे पीछे बिल्कुल कुछ ज्यादा से ज्यादा 5 किलोमीटर दूर इसराइल की एक चौकी पर कब्जा जमाने के लिए घुस गए थे। वहां पर एक मुठभेड़ हुई थी जिसमें डिप्टी कमांडर जो है इसराइली सेना के वो मारे गए हैं, वो गंभीर रूप से घायल हुए थे, बाद में उन्होंने दम तोड़ा, और भी कुछ कैजुअलिटी जो है इसराइली सेना की यहाँ हुई है। जहां तक आपने हिजबुल्ला की बात की है, पूरे मिडल ईस्ट में हिजबुल्ला के बराबर कोई नॉन स्टेट एक्टर ताकत के तौर पर नहीं है, यहाँ तक कि कई सारी सेनाएं जो हैं मिडिल ईस्ट में कुछ देशों की वो उनकी तुलना भी नहीं कर सकते हैं। इन देशों के पास अपनी उतनी बड़ी सेनाएं नहीं है, लेकिन हिजबुल्ला ईरान ने एक ऐसा फोर्स बनाया है जिसमें उनका दावा है कि 1 लाख लड़ाकू उसमें शामिल है जो काफी प्रशिक्षित है और किसी भी वक्त मरने मिटने के लिए तैयार है। और जो शनिवार को जो जो ये हमलावर गए थे उनमें माना जा रहा है कि हिजबुल्ला के भी कुछ लोग शामिल हुए थे, और यहाँ पर हिजबुल्ला की बैकिंग लेबनान में भी और कई सारे देशों में जो आस पड़ोस में इसराइल के हैं वहां पर पूरी तरह से जो है हमास को भी और हिजबुल्ला को भी समर्थन मिल रहा है। ठीक है, अशरफानी हमारे संवाददाता लगातार लेबनान इसराइल बॉर्डर से हमारे साथ मौजूद है, यरूशलम से हमारे साथ जुड़े हुए हैं। ना पक्ष ना विपक्ष, ना लेफ्ट ना राइट, ना मिर्च ना मसाला, खबरों का बोलबाला, निडर निर्भीक सबसे सटीक स्पेशल रिपोर्ट सिर्फ आज तक पर। समय समय पर आपको सुनाई देते शौर्य की, भारत और चीन के बीच साहस की, नाव सभी बाढ़ग्रस्त इलाकों का हवाई सर्वेक्षण किया है, सरोकार की, गाजीपुर में किसान से बातचीत, संघर्ष की, कश्मीर को आगे बढ़ना होगा, संयम की, भावनाएं भड़की या दंगे भड़काए गए, सवालों की, जनता के लिए जनता के द्वारा जनता की दस्तक, श्वेता सिंह के साथ सिर्फ आज तक पर। मुद्दों का मैदान, महाप्रभु का जिम्मेदारी नहीं, तर्कों पर घमासान, क्या बताना चाहते हैं इस देश को, किससे किसकी ठनी, न्याय की नीति नहीं बनती है, किसने दी किसे पटखनी, क्या सच है जिसको छिपाने की कोशिश, खबरों की दुनिया का सबसे बड़ा अखाड़ा दंगल, देखें मेरे यानी चित्रा त्रिपाठी के साथ रोज शाम 5 बजे सिर्फ आज तक पर।